It's best known for hosting the immensely popular, iconic show, Aapki Adalat. Namaskar, Aapki Adalat mein aapka swagat hai. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। सबसे पहले तो मैं इस्कॉन के संतों को और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को, अपनी बहन रजनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आके ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आ गए, अपने परिवार के बीच आ गए, क्योंकि बहुत आत्मीय संबंध मेरा हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा है। मित्रों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस्कॉन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जैसे भारत माता के सपूतों के साथ यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, टीनएजर्स के लिए भगवान श्री कृष्ण से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वो नटखट भी है, माखन चोर भी है, नटवर लाल भी है, और वो दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता भी है, वो मार्ग दिखाने वाले भी है। भगवान श्री कृष्ण रास भी रचाते हैं, रस और रंग भी दिखाते हैं, और जीवन का अर्थ, आत्मा परमात्मा का अर्थ भी समझाते हैं। ऐसा चरित्र दुनिया में न कभी हुआ है न कभी होगा। महाकवि रसखान ने दो पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या की है। उन्होंने लिखा, जाहि आदि अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे, जाहि आदि अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे, ताही अहीर की छोहरियां चचिया भरी छाछ पे नाच नचा। यानी जो जिसका ना कोई शुरू है, ना आदि है, ना अंत है, जिसका वर्णन वेदों में किया गया है, उन भगवान श्री कृष्ण को गोपियां अहीर की छोरियां थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचा देती हैं। ऐसा चरित्र वर्णन है। मित्रों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, और उसके कारण आज इस मुकाम पर पहुंचा। आपने आपकी अदालत की कुछ झलकियां देखी हैं, लेकिन असल में जिंदगी ऐसी सेक्सी नहीं होती जैसी ये टीवी पर दिखाई देती है। बचपन में बहुत अभावों में, तकलीफ में, दर्द में जीना पड़ा। यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास में एक सब्जी मंडी का इलाका है, उसमें एक संकरी सी गली से जाकर एक मकान था, तीसरी मंजिल पर एक 10x10 का कमरा था। उस कमरे में हम सात भाई, एक बहन, बीमार मां और पिताजी, 10 लोग रहते थे। उसमें इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पर सो पाते, तो जैसे कपड़े की दुकान में कपड़े के थान लगाते हैं, एक के ऊपर एक वो रख के तख्ते बांधकर उस पर सोते थे।
बारिश होती थी तो छत टपकती थी, घर में जितने बर्तन होते थे उनको टप टप पानी के नीचे रखते थे। घर में पानी नहीं था तो हम सब भाई गली के नुक्कड़ पे एक नल था वहां जाकर नहाते थे और मां और बहन के लिए दो बाल्टी पानी ले आते थे। पढ़ने के लिए मैं पास में रेलवे स्टेशन था वहां जाता था, रात में वहां लाइट होती थी क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में ऐसे संघर्ष में ऐसी तकलीफ में हिम्मत कहां से मिलती थी। एक दिन मैंने अपने पिताजी से कहा, बाबूजी आप कहते हो खुश रहो, खुश रहने का कोई कारण नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, गाड़ी होती, घर होता, खुश रह लेते, कौन सी चुनौती थी। चुनौती तो यह है कि अभाव में, गरीबी में, संघर्ष में, तकलीफ में खुश रह के दिखाओ। और यह अनुभव मैं अब आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, अभाव होंगे, लेकिन उस अभाव में खुश रहना है, उस अभाव से लड़ना है। हमारे देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि गरीब से गरीब आदमी को, साधारण साधारण व्यक्ति को मौका देती है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है कि एक गरीब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं टीवी पर आऊंगा, शो करूंगा, लोग देखेंगे, लेकिन बचपन की एक घटना है। हमारे घर में चूंकि बिजली नहीं थी तो पड़ोस के घर में हम टीवी देखने जाते थे, और आप लोग तो बहुत यंग हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा उस जमाने में सिर्फ एक दूरदर्शन होता था और दूरदर्शन पर जो फिल्म आती थी आधी फिल्म शनिवार को आती थी, बाकी बची हुई संडे को आती थी। तो शनिवार को मैंने आधी फिल्म देख ली, संडे को जब गया तो जिनके घर में टीवी था उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बहुत देर दरवाजा खटखटाया, पूछा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। घर वापस आया तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि रोते क्यों हो, तो मैंने कहा कि ऐसे टीवी देखने गए थे, सरदार भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी, बाकी आज नहीं देख पाए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो ऐसा करो तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। उस समय मेरी उम्र 9 साल की थी, सपने बहुत छोटे छोटे थे, ये सोचते थे कि किसी तरह से ग्रेजुएशन कर लें, बीकॉम कर लें, बैंक में नौकरी मिल जाए। उस जमाने में बैंक में ओवरटाइम मिला करता था, इतना कमा लें कि अपना और परिवार का पेट पाल सकें। लेकिन जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया, जब मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने गया, तो इस यूनिवर्सिटी ने मेरी तकदीर बदल दी, मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। मुझे सपने देखना सिखाया। और एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि सपने दो तरह के होते हैं, एक वो सपने जिन्हें हम रात में सोते हुए देखते हैं, और एक सपने वो होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमको रात को नींद नहीं आती। इस विश्वविद्यालय ने
मुझे वो सपने देखना सिखाया जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी। और मैं आपसे यही कहूंगा, बड़े सपने देखें, कुछ बनने का सपना नहीं देखें, कुछ करने का सपना देखें। मैं इस्कॉन को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने नशा मुक्ति का इतना बड़ा अभियान शुरू किया है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जब नौजवान पूछते हैं हम क्यों नहीं ड्रग्स को रोक पाते, कैसे ड्रग्स के कारण एक के बाद एक परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, और ये ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको मालूम नहीं, आप सब जानते हैं, अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है, हम सब देखते हैं इनको। लेकिन हमेशा एक डर रहता है कि क्या हमारे नौजवान ड्रग एडिक्शन के अंधकार में खो जाएंगे, क्या इसके वजह से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आज जब मैं आपको इतनी बड़ी संख्या में यहां देखता हूं, और जब मैं देखता हूं कि आप लोग कितने डिटर्मिनेशन के साथ नशा मुक्ति के अभियान में शामिल हैं, तो मुझे आप पर अभिमान होता है और डर खत्म हो जाता है। मैं इस्कॉन के लोगों से बात कर रहा था, आखिरकार ये ड्रग्स नशा शुरू कहां से होता है। हमारे ब्रेन में दो चीज बिल्कुल साफ है, हमारा ब्रेन बताता है कि पेन बुरी चीज है और जॉय आनंद बड़ी अच्छी चीज है। और कुछ लोगों ने बड़ी चालाकी से ड्रग्स को पेन किलर और जॉय दिलाने वाला बना दिया, और ये बात बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति में पहुंची है कि जैसे ही नए साल का वक्त आता है, आपने देखा होगा न्यू ईयर का टाइम आया है, दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, मुंबई में पकड़ी गई, अहमदाबाद में पकड़ी गई। और ये किस लिए, नए साल के वक्त देश के अलग अलग शहरों में जाएं, हमारे नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दें, उनके जीवन में जहर घोल दें। इसीलिए इस खतरे से सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान रहने के लिए जो इस्कॉन का तरीका है उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। हम अगर अपने नौजवानों को, अपने साथियों को यह समझाने में कामयाब हो जाएं कि आनंद ड्रग्स में नहीं है, आनंद तो भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते में है, जॉय तो रास में, रंग में, संगीत में, नृत्य में है, और हम किसी झूठे आनंद की तरफ जाने के बजाय जो जीवन का असली आनंद है उसको जीवन में आत्मसात करें। अगर हम ये कर पाए और ये संदेश नौजवान तक पहुंचा पाए तो मुझे लगेगा कि मेरा यहां आना और आपका इतना जोश दिखाना ये सफल हो गया। मित्रों, आप लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है, इस्कॉन ने इस अभियान को इतने बड़े पैमाने पर किया है, ये एक बड़ी शुरुआत है। मेरा आपसे वादा है आपके इस अभियान को, आपके इस जोश को, आपके इस अभिमान को
मीडिया के जरिए दुनिया में जहां जहां पहुंचा पाएंगे वो मुहिम मैं शुरू करूंगा। मैं आपके साथ हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।